गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल ऐड दीज टर्म्स। तीन टर्म्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हाउ विल वी राइट दीज टर्म्स। फर्स्ट टर्म एज इट इज 5, 6, 7, 4 वी विल राइट हियर 5, 6, 7, 4। ठीक है। व्हेन वी राइट द सेकंड टर्म वी राइट इट फ्रॉम द राइट साइड फ्रॉम द यूनिट प्लेस। फर्स्ट वी आई विल राइट हियर 5, देन 4 ऑन द टेंस प्लेस and 3 on the 100 place, and there is no number in the 1000 place, therefore I will put 0 here. Now I have to write now 574. I will write this term also from the unit place, from the right side. First I will write 4, then 7 in the 10 place, then 5 in the 100 place. There is no term in the 1000 place, so therefore I will put 0 here. Okay. Now I have to write 47. I will write it from the right side, that is from the unit place. First I will write 7, then 4. I will put the 0. There is no term, there is no number in the 100 place and the 1000 place. Therefore I will put 0 here. Now I will add. ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन आपको आता ही है, इसे आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है। इसी तरह से 3574 प्लस 7456 प्लस 564 प्लस 72, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखोगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज 3574, देन राइट द सेकंड टर्म फ्रॉम द यूनिट प्लेस 6 एट द यूनिट प्लेस, देन इट इज इन द 10 प्लेस, देन इट इज राइट इट ऑन द 100 प्लेस and this number on the 1000 place. Then write 564 from the right side, that is the unit place. Unit place से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले 4 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। इसी तरह से आपने 72 को लिखना है। पहले 2 लिखेंगे आप यूनिट प्लेस पर, फिर 7, और जिस प्लेस पर कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर क्या कर देंगे आप, 0 पुट अप कर देंगे और उसे आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। थैंक यू।